भारत फिल्म के ट्रिपल लॉन्च में आई हूँ, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे और खेसारी के बारे में, काजल के बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाहोगे? जी सबसे पहले मैं ऑडियंस को बोलूँगी नमस्कार, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और जहाँ पे मैं यहाँ पे एक्चुअली ट्रेलर लॉन्च हो रहा है खेसारी जी का, तो आप सबको पता है ऑडियंस को मैं डे वन से बोलती आ रही हूँ कि खेसारी जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना एक रिश्ता सा है, क्योंकि उनके मतलब एक मूवी था जिसमें मैंने बैक डांसिंग किया था और मेरा किस्मत इतना अच्छा रहा है कि आज मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में एज अ परफॉर्मर परफॉर्म कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी और ही फिल्म आ रही है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण मैं नहीं थी इस पार्ट में, मतलब इनकी मूवी की पार्ट नहीं थी, बट अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपका कोई गाना होना है? मुझे पता ही था आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं नहीं अवेलेबल थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई, बट आई होप सो कि नेक्स्ट फिल्मों में मैं आपको नजर आ जाऊँ। चलते चलते ग्लोरी ये जानना चाहेंगे कि ग्लोरी जो ये टैग नेम है ये हिंचक ग्लोरी बन चुका है, क्या इसके पीछे कुछ कारण है जो हिंचक और बिना ग्लोरी के कोई गाना कंप्लीट नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? वाह, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि बड़े दिनों बाद एक यूनिक नाम मिला है ढिंचक, बिकॉज इधर सब लोग खुद ही क्वीन बन जाते हैं सॉरी टू से, इधर हर एक हीरोइन क्वीन है सबके सामने, चाहे वो डांसिंग क्वीन हो चाहे कोई भी क्वीन हो, एंड थैंक यू आपने ढिंचक नाम दिया, मैंने तो अपना नाम खुद ही डिसाइड किया था ड्रीम गर्ल, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, और मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं भगवान की दया से मैं बैक डांसर से आज मैं एज अ आइटम गर्ल स्टैंड हुई हूँ, बट आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैंने एज अ आर्टिस्ट एज अ हीरोइन में दो फिल्में कर लिया है, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है और एक भोजपुरी है जो कि इस साल के एंड तक आपके सामने आ जाएगा। और अपने बारे में बताएं ग्लोरी, कैसे ये सफर शुरू हुआ, कितनी कठिनाइयां आई, कितना चैलेंज रहा पूरे इस दौरान? मैं सीरियस बोलूँ ये सफ़र मेरा यहाँ से नहीं था, इंडस्ट्री से नहीं था, ये मेरा बचपन से था, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पापा एयरफोर्स में थे, एक सर्विसमैन फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे कोई डांसर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, बट मैं बचपन से ही अच्छी डांसर रही हूँ, डीएवी स्कूल की मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मर थी, देन अपने कॉलेज में मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं नेशनलिस्ट थी और मैं पहले रिलायंस में जॉब करती थी, बट ये जो डांसिंग का कीड़ा है साथ निभाता रहा मेरे और बैक डांसर बनी, फिर एज आइटम गर्ल हुई और काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। मैं सीरियसली सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग के बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं जा सकते और अभी भी वैसे भी टाइम बहुत चेंज होता जा रहा है, आजकल बच्चों में टैलेंट कूद के भरा है, जबकि हमारे टाइम पे उतना सपोर्ट नहीं था, आजकल के बच्चों को बहुत सपोर्ट है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी सपोर्ट करूँगी, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए और मुझे सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और आगे जा सकूँ। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। लीला चंपारण का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, एक कलाकार ऐसे कलाकार जब किया हुआ काम पर पेपर आता है दर्शकों के बीच में आने वाला होता है तो बड़ी खुशी होती है, कितना क्या कहना चाहोगे? मैं जिला चंपारण के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मूवी एक इतिहास रचने वाली मूवी है और इसका कुछ भी देखिए, गाना देखिए, स्टोरी देखिए, एक एक चीज़ देखा जाए तो टोटली अलग आपको देखने को मिलेगा और दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, इसके गाने, इसका स्टोरी, इसका एक्शन बहुत जम के इसका हम लोग प्रमोशन करने वाले हैं, ये मूवी जब आने वाली है और अभी आज तो इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो ट्रेलर प्लीज़ सबको ही प्लीज़ देखिए और ट्रेलर देख के ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये मूवी थोड़ा हटके बना है, ये भोजपुरी मूवी बनाई नहीं है, भोजपुरी से थोड़ा हटके बना है। मूवी के किरदार के बारे में आपकी अगर बात करें तो कैसा किरदार है इसमें जिला चंपारण में? मेरा इस जिला चंपारण में मेरा एक तरफा का प्यार रहता है, जो मैं इस मूवी का जो हीरो है हमारे सुपरस्टार खेसारी जी, मैं उनको प्यार करती हूँ बट वो मुझे प्यार नहीं करते हैं और मेरा कॉम्प्रोमाइज़ इसमें दिखाया गया है कि मैं अपना प्यार को किसी दूसरे के पास मैं दे देती हूँ कि वो जब मेरा नहीं तो किसी का प्यार बन के वो खिलते रहे। कैसा रहा खेसारी की बात करें, काजल की बात करें, कैसा रहा पर्दे के पीछे केमिस्ट्री कैसी रही? जी, मैं खेसारी जी के साथ पहली बार काम की हूँ और मुझे खेसारी जी के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, इतने बड़े स्टार के साथ काम करके शुरू में तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर खेसारी जी का इतना सपोर्ट रहा,
कि ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं एक पर्दा के पीछे। इस फिल्म में काम करने के बाद मोहिनी को एक नया टैगलाइन मिला है। जी, इस मूवी के बाद एक्चुअली मेरा इस मूवी में जो किरदार है टोटली अलग है, और इस मूवी में मेरे जो गाने हैं वो भी टोटली अलग है, टोटल अलग दिखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे तो मोहिनी घोष शुरू से ही फेमस थी, तो इस मूवी से और ज्यादा फेमस हो गई है। मोहिनी, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें इसके अलावा, जिला चंपारण के मूवी के बाद मैं अभी करने जा रही हूँ, मैं अभी की हूँ कल्लू जी के साथ और रवि जी के साथ, रवि किशन जी के साथ राधे मूवी, और नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ डायरेक्टर जीशु बड़ाव का एक भोजपुरी मूवी, तो उसका नाम अभी फ्लश नहीं हुआ है तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। चलते चलते आखिरी सवाल, व्यूअर्स को जब ये फिल्म पर्दे में लगेगी जी तो क्यों जाए देखने के लिए? फिल्म लगेगी जब थिएटर में तो ऐसा क्यों जाए ये फिल्म देखने के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये बस यही बोलना चाहूंगी कि पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे, और मुझे पता है कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, इस मोहिनी घोष को दिया है, उतना ही प्यार आप लोग इस मूवी को देंगे। और ये मूवी हम शुरू में ही बताएं कि ये मूवी टोटली हटके बना है, जिला चंपारण इसका नाम में भी बहुत खासियत है, और इसका स्टोरी में, इसका गाने में, इसका हर चीज़ में, और सारे जितने सारे कलाकार हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और हम लोग सारे कलाकार एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। इसमें आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगी जिला चंपारण नगर फिल्म की बात करें? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सब? और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे जिला चंपारण का ये ट्रेलर लॉन्च पे, और एक फिल्म की मुहूर्त भी होगी। सो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं खेसारी जी को, और बहुत सारा गुड लक। जैसा केमिस्ट्री है आपका खेसारी जी का, बहुत सारी कुछ केमिस्ट्री के बारे में बात करें, कुछ ऐसी बात करें जो लोगों को? एक्चुअली केमिस्ट्री खेसारी जी ऐसे कलाकार हैं कि उनके साथ कोई भी हीरोइन की केमिस्ट्री बन जाती है, बिकॉज वो बहुत ही एडजस्ट करते हैं, बहुत अच्छा वो हसमुख है। सो दैट्स इट। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे नहीं कर रहे हैं जी जी, जैसा आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो कौन सी कौन सी फिल्में आ रही है जी? जी, मेरी खेसारी जी के साथ दो फिल्म आ रही है, दुल्हन गंगा पार के और हमें हिंदुस्तानी, ये दो फिल्म आ रही है जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिला चंपारण एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बढ़िया टाइटल है, टाइटल से ही ये फिल्म हिट है। तो मेरी शुभकामनाएं है खेसारी जी के साथ में और पूरी फिल्म के टीम के साथ में, इसके डायरेक्टर जो हैं लाल बाबू जी और प्रोड्यूसर साहब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरी बेस्ट विशेस हैं उन लोगों के साथ कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, और एक के बाद एक फिल्म वो लोग बनाते रहें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। भैया जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल की, आने वाली अगर आपकी फिल्मों की बात करें जी, तो कौन सी है जो दर्शक अभी जल्द में देख पाएंगे? देखिए, जुलाई में मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, अभी इस समय बिहार में मेरी एक फिल्म चल रही है, एक रजाई तीन लुगाई, इसके जस्ट बाद मेरी रिलीज़ होने वाली है जुलाई में, कसम पैदा करने वाले की। इसके बाद से मेरी फिल्म रुद्रा आ रही है जो आप सबको एक अलग सिनेमा दिखाएगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है जो अगले महीने रिलीज़ हो रही है, मैं और पवन सिंह एक बार फिर से हम लोग साथ में आ रहे हैं, पवन जी के साथ में मेरी एक सपेरा फिल्म थी उसके बाद मैं आ रहा हूँ, वो फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनी है, फिल्म का नाम है लुटेरे, वो फिल्म भी आप लोगों को एक अलग दुनिया दिखाएगी, और एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी फिल्म मैंने की है जिसका नाम है मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद भी आएगी। और अभी मैं नेक्स्ट मंथ से दो फिल्मों की शूटिंग करने जा रहा हूँ, एक मंजुल ठाकुर की है दुपट्टा वाली आई लव यू, और 2016 में मेरी एक फिल्म बनी थी इच्छाधारी जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसका पार्ट टू बन रही है अभी नागराज के नाम से, तो वो नागराज की शूटिंग में निकलने वाला हूँ। नागराज की अगर बात करें तो आपके अलावा और कौन से कलाकार उसमें नजर? नागराज में नहीं नहीं, ये रानी चटर्जी और यश कुमार जो इच्छाधारी में थे, वो कहानी जहाँ खत्म होती है ये वहाँ से शुरू होती है,
उसी कड़ी को हमने जोड़ करके आगे शुरू किया है। लेकिन इस बार नागिन के रोल में आप सबको अंजना सिंह दिखेंगे उसमें। अंजना सिंह है और मैं हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आ रहे हैं। नागिन का रोल वो कर रहे हैं और नागराज का रोल मैं कर रहा हूँ। और हमारे साथ एक न्यू कमर है, बड़ी खूबसूरत सी अदाकारा है, पायस पंडित। पायस पंडित इसमें शिरकत कर रही हैं, एंट्री कर रही हैं इस फिल्म से, नागराज से, भोजपुरी इंडस्ट्री में। यश जी, एक तो सवाल आता उठता है कि आप हमेशा से यश कुमार कहलाना पसंद करते हैं, यश मिश्रा जी, हालांकि यश मिश्रा के नाम से ही आपकी जान पहचान हुई थी स्टार्ट जी, लेकिन आप यश कुमार कहलाना पसंद करते हैं। नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। एक्चुअली जब मेरी पहली फिल्म आई थी दिलदार संवरिया, अगर आप पर्दे पे देखेंगे तो यश कुमार नाम था मेरा। एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में आकर कह रहे मिसिर जी का हाल चलवा, मिश्रा जी का हाल चलवा, तो लोगों ने यश मिश्रा यश मिश्रा यश मिश्रा कहना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा पकड़ लिया, मतलब एक होता है ना कास्ट, जैसे खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कास्ट को थोड़ा सा लोगों ने पुश कर दिया। मेरे पर्दे पे आप कभी भी देखेंगे तो यश कुमार ही है। और मैं एक, ये मेरी पर्सनल सोच है कि मैं जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ करके काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक देखें वो मुझे अपने जैसा समझें, ये ना है कि पंडित जी हवा हई हवा हवा वो खुल ना हो। यश जी, आप एक अच्छे नायक तो हैं, अभिनेता तो हैं, आप साथ-साथ एक सिंगर भी हैं जी, तो हम चलते चलते आपसे दो लाइन सुनना चाहेंगे। हाँ, मेरी फिल्म जो आ रही है अपना कसम पैदा करने वाले के, उसका एक लाइन है, उसको गुनगुना देता हूँ। दिल पे चला भे यारी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना है तो हर कर बमबारी, देखी के रूप पड़ल बानी मुश्किल में, फसल बादिल फसल बादिल तोरा नथिया के बिल में, फसल बा दिल तोरा नथिया के बिल में। अब तक दिल के दिल से फौसल देखले रहला जा, अब नथिया के बिल से फौसल देखब जा। मजा आई फिल्म देखे, इसी जुलाई में रिलीज हो रही है कसम पैदा करने वाले की। यश जी, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज जिला चंपारण का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? और आपके गानों की अगर बात करें तो आपका गाना है और है, क्या कहना चाहेंगे जी? आज जिला चंपारण इस फिल्म का आज म्यूजिक लॉन्च है और इस फिल्म में मेरे तीन गाने हैं, तीनों गाने बहुत ही प्यारे हैं और तीनों है, और दो गाने जो हैं वो सिचुएशनल हैं, हीरो हीरोइन के ऊपर फिल्माए गए हैं, तो तीनों गाने बहुत प्यारे हैं और बाकी गानों से अलग हैं। अब तक मैंने जो भी गाने गाए हैं उससे अलग हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो मेरे इन तीनों गानों को सुने और जैसे बाकी गानों को प्यार देते हैं वैसे मेरे इन तीनों गानों को भी सुने और ज़्यादा प्यार दें, बस यही चाहूँगी। मधुकर जी की बात करें और खेसारी की बात करें तो कैसा रहा केमिस्ट्री एक के बाद दो, दो के बाद तीन? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार मधुकर जी, आप सभी को विश्व का के साथ में प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए आप सब। मधुकर जी और खेसारी भैया के साथ काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ, आई थिंक 2014 से, तो अब तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, घर जैसा माहौल रहता है जब भी हम काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बार बार ये रिपीट होता है तो और भी अच्छा लगता है और मैं आगे भी चाहूँगी कि ये जो जोड़ी है ये बनी रहे हमेशा, जब तक मैं गाने गाऊँ तब तक ये जोड़ी बनी रहे, बस यही चाहूँगी। और जिला चंपारण के सारे मेम्बर्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और इसमें आप लोग मेरे जो गाने उसको भी सुनिए और अपना प्यार दीजिए, थैंक यू सो मच। प्रियंका, आपके जादू का आवाज की अगर जादू की बात करें तो दर्शकों के सर पे चढ़ के बोलता है, कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन लाती है? जो भारत या बात कर ले बट्टी भर के चलकर चलकर या उसके बाद कहाँ से इंस्पिरेशन लाती है? जो इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है तो इंस्पिरेशन तो मैं बचपन से ही संगीत में मेरा रुझान था, मैं बचपन से शौकिया गाया करती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक में अपना करियर बनाऊंगी, तो एक जो बचपन से एक जो आत्मा जो संगीत में आप कह सकते हैं वो एक जुड़ी हुई थी एक ऊपर वाले से, और ये बढ़ते बढ़ते जो रुझान और ज़्यादा हो गया और फिर मैं मुंबई तक आई एंड देन मुझे गाने मिलने लगे फिल्मों में गाने के लिए, मैं गाते गई और इस तरह से गाते गाते का एक्सपीरियंस होता गया, बहुत सीखती गई, आज भी सीखती हूँ, तो ये एक और प्लस माता पिता से बहुत ही मुझे आशीर्वाद मिला, सपोर्ट मिला, तो सबकी एक कृपा है, भगवान की कृपा। सारे मीडिया वालों से निवेदन है कि आप पीछे की तरफ बैठे जाकर और प्रोग्राम शुरू कर दे, भगवान की कृपा है और मम्मी पापा और जो भी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबका बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए। दो लाइन बंटी भर ले, क्या
छलकत हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि पलट के पनिया हो कुछ कानी, रानी हम हो ओवरलोड बानी हो अवधानी, रानी हम हो ओवरलोड बानी हो अवधानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादा होता है कि आप हर जगह जाते हैं और आप पानी की तरह हैं, तो एक पानी बता सकता है कि किस में किस बोतल में दारू है और किस में क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा होता है। तो मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ आप सबके लिए, मीडिया ग्रुप को, कि आप लोग को ट्रेलर अच्छा लगा। नहीं, मैं स्टोरी देखता हूँ, डायरेक्टर देखता हूँ, लोकेशन देखता हूँ और साथ में हर उस चीज पे काम करता हूँ जो फिल्म के लिए हिट हुआ। काजल के साथ मेरी फिल्म बाबरी मस्जिद रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम बदल गया, जिसका नाम हम हिंदुस्तानी हो गया, हम है हिंदुस्तानी, जो कि 4 को रिलीज हो रही है, 4 अगस्त को। तो मेरी और कमाल की केमिस्ट्री, कि मेरा नाम राम रहता है, इनका नाम जान रहता है, तो राम जान, और फिल्म में हम है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की मिट्टी की अनाज खाया हूँ ना भाई, तो मैं कितना भी गद्दार क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन माँ की ममता कभी दूर नहीं हो सकती। और मैं कितना हिंदुस्तानी हूँ ये मेरे काम में दिखता होगा, और हम हिंदुस्तानी है या नहीं है ये हमारा काम ही बता सकता है, बाकी नेचर के हर आदमी में क्या होता है क्या नहीं कोई मतलब नहीं। देखिए, सरकार में हम नहीं है, समस्या ये है कि हम ऑडियंस की तरह है और हम इंटरटेन वाले लोग हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है, हम एक इंटरटेन लोगों के दिल पे राज करने वाले लोग। सारे जी इंटरटेन की तरफ आते हैं, हमने अभी देखा, गाना देखा आपका, तो आपने बहुत सारे हीरोज़ों से आपने किस किया होगा, शूटिंग किया होगा इसमें, अच्छा यार किस की बात करें तो सिर्फ सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल किसके साथ लगे आप, किस करने में जी? मुझे किस कम्फर्टेबल है ये नहीं, मैं इस फिल्म में भी सोच नहीं किया है, उसने सिर्फ ओठों को पकड़ा और मैंने कट करवा दिया, क्योंकि मैं अपने फिल्मों में स्मोचिंग रखता ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है स्मोचिंग, क्योंकि स्मोचिंग से फिल्म नहीं चलती है, तो अगर स्मोचिंग से चलनी होती तो फिर इंसान ये फिल्म क्यों बिल्कुल नहीं। किस करना एक पर्दे के सामने, देखिए जो चीजें पर्दे में होनी चाहिए वो पर्दे से बाहर नहीं होना चाहिए, और वो चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती है, और इंसान रोमांस ठीक है, हमारा वो काम है, हमारा पैसा है, हमारी रोजी रोटी है, करते हैं तो करता है, लेकिन क्या करें, हमारी उम्र होती है, उसका सीन का रिक्वायरमेंट होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ओठों में ओठ पकड़ के सिनेमा करेंगे, कोई जरूरी नहीं, हम बस कवर करते हैं, वो लग जाता है, तो इंसान नहीं, तो
अभी काजल जी दूल्हन दूल्हा गंगा पार की एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी फिल्म है? बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और फर्स्ट टाइम खेसारी जी की बेटी है प्रीति खेसारी यादव, तो उन्होंने भी उसमें वर्क किया है और वो हमारी बेटी बनी है, सो हम बहुत एक्साइटेड है और बहुत जल्दी वो फिल्म आएगी हमारे बीच एंड बस थोड़ा सा शूट पेंडिंग है तो जल्दी खत्म होगा और हम जल्दी दुल्हन गंगा पार लेके आएंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि श्रुति ने ही मांग खेसारी और राघवानी की, बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, यस अभी हम नहीं बताएंगे बट बहुत इम्पोर्टेंट हमारा सीन है वो, और वो मूवी जब हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा तभी आप देखेंगे। काजल जी, काजल जी, बच्चे बहुत पसंद है, काजल राघवानी को बच्चे बहुत पसंद है, अपने बच्चे कब? मेरे बच्चे होपफुली हो जाएंगे 10-12 साल में, अभी मेरे पास 4-4 बच्चे हैं ऑलरेडी, मेरे तो 30 है, मेरे तो गिनी पिग है और मेरे तो टॉर्टोइस है और बहुत सारे बच्चे मेरे पास, सो मैं बहुत हैप्पी हूँ सबके साथ। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें काजल, चलो चलते हैं आने वाले प्रोजेक्ट। मेरी फिल्म आ रही है, मैं सारा बन के आऊंगा दुल्हन गंगा पार के, हिंदुस्तानी एंड बहुत जल्द भौजी पटेलिया, चेर हरण, बहुत सारी फिल्में आ रही है और हम बहुत जल्दी दीवाना बन करने जा रहे हैं खेसारी जी के साथ, तो अभी मैं दीवार को शूट कर रही हूँ। सबसे बेहतर कौन सी फिल्में हैं आपके लिए? मेरे लिए एक्चुअली मैं बात करती हूँ, मेरे लिए मेरी सारी फिल्में बेहतर हैं और मैं सारी फिल्मों में हम दिल लगा के काम करते हैं तो हमारे लिए सारा, क्योंकि हमारा रोजी रोटी भी है एंड हम अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, सो बस सारे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे सारे फिल्मों में खेसारी जी साथ में हैं? नहीं नहीं, सब अलग अलग है, चीरहरण में विराज जी है, हम हिंदुस्तानी में खेसारी जी है, दीवानापन में खेसारी जी है, अभी दीवार पे आ रही हूँ तो परवेशी है, विराज जी है, तो सब में अलग अलग है। अभी कुछ फेसबुक पे सेल्फी वगैरह ले रही थी या फेसबुक पे लाइव थी, क्या था वो, कहाँ का सीन था और क्या? अभी हम गए थे शूट करने, अच्छा लोकेशन था या बहुत प्यारा था, हम शूट कर रहे थे मधुबनी, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा आधुनिक लोकेशन था, नाम याद नहीं है एक्चुअली मुझे, बहुत हार्ड है, तो वहाँ पे बहुत प्यारा लोकेशन था और बहुत सारे हिल्स थे, पसंद बहुत प्यारा लोकेशन था। आज काजल राघवानी मूड में नहीं लग रही, क्या बात, टेंशन नहीं लग रही? टेंशन क्या होता है, नहीं मैं मूड में हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। परीक्षित चौधरी जी भी स्टेज पे आएंगे, मोहिनी घोष भी स्टेज पे आइए, मधुकर आनंद जी भी स्टेज पे आइए, करण पांडे जी रोहित सिंह जी आप जानते भी है, प्लीज स्टेज पे आइए, रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी स्टेज पे आइए प्लीज, रोहित सिंह जी, हमारे कोरियोग्राफर युक्ता जी से अनुरोध है स्टेज पे आइए, जैसा पिक्चर शूट करना है आपको जो चाहिए वो आप इस पिक्चर में हम लोग को दिख रहा है कि आई थिंक
प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर जी को फुल छूट दिया कि आप लोग पिक्चर अच्छे से शूट करो, पिक्चर के गाने बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी है। और जहाँ तक बात है जिला चंपारण पिक्चर की, तो नाम ही जब चंपारण, जिला चंपारण, तो पिक्चर क्या होगी। तो मैं चाहूँगी पूरी ऑडियंस जितनी भी है भोजपुरी की, सब इस पिक्चर को ज़रूर देखें, अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। और इसमें मोहिनी घोष जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनका भी, उनका बहुत क्यूट और शीत करें प्रिटी, तो इस पिक्चर में वो भी, उनका लुक भी बहुत हॉट लगा है। दर्शक मुझे बहुत जल्दी देखने वाला है। अभी एक पिक्चर मेरी आ रही है मुकद्दर, जिसमें खिसारी जी हैं, काजल जी हैं, मैं हूँ, शमीम जी हैं। तो मुकद्दर पिक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक पिक्चर अभी मेरी जिसकी मैं शूटिंग कर रही हूँ, वह दरार 2। दरार पहले आई थी और अभी आ रही है, दरार का सिक्वल बना है 2, तो वो लोग आप लोग जरूर देखिएगा, वो पिक्चर आ रही है मेरी। और एक और भी आ रही है पागल दुर्गा, तो भी काफ़ी सारी पिक्चर है बैक टू बैक आएंगी, जो मेरे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और प्लीज़ जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो मैं अपने दर्शकों से यही बोलूँगी मुझे ऐसे हमेशा प्यार देना। और अभी मेरा एक गाना हिट भी हुआ है, वो मैं अपने दर्शकों के लिए गाना चाहूँगी। सुहाग रात जइया चर चर करी चर भैया, देव मुचकाई करी भैया बालम, लिलिया बंगलिया सीता भैया बालम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑडियंस। बना के भोजपुरी को एक ऊंचाई दी और एक अच्छा साफ सुथरा सिनेमा बनाया आपको। बहुत हम क्यों पिक्चर ना दिखाई है, इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ। आपको दिखाओगे तो हम बोलेंगे, लेकिन सुनेंगे तो उनका बहुत अच्छा सिनेमा बनाया। सो वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन कि भोजपुरी इसी तरह बढ़े। कि हम बताएं कि 20-25 साल पहले तेलुगु सिनेमा हम ज्यादा भी करते हैं और कन्नड़ा, तो वहां पे भी उसको बड़ी हिकारत की नजर से देखते थे 20-25 साल पहले। आज वही तेलुगु सिनेमा बाहुबली बनाता है। हमारे पास दर्शक बहुत अच्छे हैं, बस हमको जज्बा चाहिए, हमारे पास कलाकार अच्छे हैं, ईमानदारी है हम लोगों के पास, और भगवान करेंगे हम लोग भी एक दिन बहुत अच्छी। और चंपारण, जिला चंपारण के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम, मैं डायरेक्टर साहब को चाहूंगा, आप जरूर बात करिए, आप बोलिए, आपका अधिकार है, आपकी बात है। नमस्कार सर, मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ TV24 से। रवि जी और खेसारी जी, आप दोनों से मेरा सवाल है जी, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जो बंद हो रहे हैं, तो उसमें रवि जी का क्या पहल होगा? और ये बहुत दुख की बात है कि बीना सिनेमा बंद हो गया। ये हमको बहुत ही शॉक लगा कि बीना सिनेमा से हमारा, हम लोगों का 4-5 लाख रुपए का वीकली कलेक्शन आता था, वो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है बीना का बंद होना। और हम सुने कि बहुत सारा सिनेमा उसका तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया बीना का, तो ये दुखद है। तो मैं आप लोगों के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा, जो कि मैं करीबन 17 साल से निवेदन कर रहा हूँ बिहार में, 17 साल हो गए जब सैया हमार आई थी, तब से मैं वहां से निहोरा कर रहा हूँ, तब से अब 17 साल हो गए, हमको वही निवेदन चल ही रहा है। और आज भी निवेदन फिर कर रहा हूँ कि सिनेमा हॉल को बंद बंद करवाइए, जिस तरह महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स लागू है, इस तरह करवाइए कि आप हम लोगों को कंपलसरी मल्टीप्लेक्स दें। और हम लोग भी वादा करते हैं कि जैसे ये फिल्म है, वैसे अच्छी अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं, हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं भोजपुरी में, और भी हमने एक दो बड़ी साइन की है, अमेरिका में शूट करने जा रहे हैं, तो हम लोग लेके आएंगे। लेकिन हम लोग का सिनेमा हॉल बंद होगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? शुभी शर्मा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम आओ, ऐसा नहीं, सारे गेस्ट लोग आई, काजल जी भी हैं, काजल रघवानी जी प्लीज आप मंच पे आए प्लीज। इसी कड़ी में मेरा दूसरा भी सवाल है रवि जी आपसे। पहले तो भोजपुरी का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, और अब तो प्रतिनिधि है मनोज जी, सांसद है मनोज जी तिवारी, तो क्या कोई आप लोग पहल करेंगे इस विषय को लेकर गंभीरता से? जी, हम मनोज बाबू से बात करेंगे, चूंकि हम लोग अच्छे मित्र भी, हम लोग सामने एक ही पार्टी के साथ काम भी जुड़े हैं, बड़े लेवल पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली गोइंग टॉक टू हिम, मैं उनसे बात करूंगा कि इस सिलसिले में बात करें। अगर पटना में बीना बंद हो जाता है, तो फिर हाजीपुर में भी बंद हो गया, तो फिर तो भोजपुरी सिनेमा ही खत्म हो जाएगा।
फिर तो हम लोगों की कोई बिसात ही नहीं रहेगी, हम लोग फिर किसके लिए बनाएंगे, क्योंकि बिहारी से हम लोगों को रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। खैर तो वो कोशिश करेंगे मनोज बाबू से तुरंत बात करें, चूंकि अध्यक्ष हैं सांसद हैं, तो ये पहल वो डेफिनेटली वो टेक ऑफ करेंगे और हम लोगों को बड़ी मदद होगी और ये बात मैं सरकार तक स्वयं भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इस सरकार के साथ जुड़ा हूँ, तो ये स्वयं मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसको पहल करूंगा। यस जी, भोजपुरी आपकी बात करें तो आप कांग्रेस में थे, छोड़ के अब बीजेपी में आए हैं, बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, शायद बिहार में भी बहुत जल्द सरकार बन जाएगी बीजेपी की भी, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश की दोनों की अगर अंदर देखी जाए तो लगता है कि वहाँ बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या कुछ ऐसा पहल होगा कि जल्द से जल्द इसपे कार्रवाई हो और आप सरकार से बात रखेंगे? जी तुरंत हम लोग एक महीने में इसका रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है, इस मैटर को डेफिनेटली हम लोग खत्म करेंगे और सिनेमा हॉल ने तो मल्टीप्लेक्स को तो कंपलसरी करा ली, क्योंकि बड़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स मिलना पटना में बहुत जरूरी है। रवि जी, मेरा सवाल, मैं समय नेशनल से हूं गुप्ता, जिस प्रकार अभी इंटरव्यू में आपने कहा कहना कि इस फिल्म में बिना अश्लीलता को भरोस हुई बहुत ही अच्छा ट्रेलर लॉन्च किया, मैंने फिल्म भी काफ़ी अच्छी हुई कहने के, आप हमेशा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहे हैं, आपका समय भी काफ़ी कीमती रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, बिना अश्लीलता को परोसते हुए भी फिल्म अच्छी बनाई जा सकती है, क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारी विदाई फिल्म थी कन्यादान थी, हमारी बहुत सारी फिल्में जो चली हैं ब्लॉकबस्टर भी रही हैं वो बगैर अश्लीलता के बगैर बनी है, तो जरूरी नहीं है अश्लीलता से गंदगी होती है, और ये फिल्म में हमको एक भी गंदगी नहीं दिखाई दी, थैंक गॉड, नहीं तो फिर वो ये होता ना, आप ही लोगों के सवाल हमेशा तीर हम पर पहले टागे जाते हैं, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो थैंक यू, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अश्लीलता ना डाल के, बहुत सारा देखिए हल्का छोंक मसाला होता है लेकिन ऐसा एकदम ढोनी वोड़ी एकदम खोजने लगते हैं, वही एकदम पगला देता है, वही वो अब उसके ढोनी से बाहर आना चाहिए, अभी हम लोग स्टैब्लिश हो गए, हम दोहड़ी और ये सबसे बाहर आएंगे तब हम लोग भी बहुत अद्भुत बनेंगे। एक लास्ट सवाल चलते चलते खेसारी जी से, खेसारी जी, ये ट्रेलर चल रहा था तो जो जितने भी दर्शक यहाँ बैठे थे सभी की सांसें ही नहीं बल्कि आंखें भी थम गई थी इस फिल्म को देखकर, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छी फिल्म लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कितनी कठिन परिश्रम थी, क्या कहना चाहेंगे? जी खेसारी जी, आपसे जानना चाहेंगे। अपनी सोच को अगर पर्दे पे उतार लेते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, और लाल बाबू जी ने और सुरेंद्र जी ने जो सोचा उस अपने सपने को पर्दे पे इन्होंने उतारा, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू लाल बाबू जी को और सुरेंद्र जी को बोलता हूँ, पूरी टीम को बोलता हूँ जो जिला चंपारण से जुड़ी हुई है, कि सबने अपने 110% अपना मेहनत और वर्क किया है तब एक अच्छी फिल्म बनी है। ये मैं ट्रेलर देखकर आज 10 दिन से पगलाया हुआ, मैं खुद इतना पागल हूँ कि मुझे बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है इसके अलावा, तो शायद आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद इस जिला चंपारण को सफल बनाएगा, और मेरी शुभकामना है आप सबके लिए कि आप लोग ऐसे ही हमें दिखाते रहिए और हमारी खबरों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। जी जी, मैं ट्रेलर देख के सीरियसली मुझे फिल्म इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कब मुझे फिल्म देखने लगे, मतलब क्या लोकेशन से गाने और जो एक्शन है खेसारी जी का, माइंड ब्लोइंग, ये फिल्म डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर होगी। काजल, और अगर पूरे ट्रेलर की बात करें तो सबसे प्रभावित करने वाला जी, सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा जब वो हीरोइन खेसारी जी को बोलती आई बेटी हूँ, और जब खेसारी जी की मम्मी जी बनी है किरण यादव जी, जब वो ऐसे करके हटाती है, वहाँ पे मुझे लिटरली गूज़बम्स हो चुके थे, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे सारे सीन्स। काजल यादव की बात करें तो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल हिचक के नाम से जाना जाता है, जी मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरी फिल्म ससुराल कल यानी 7 जुलाई को रिलीज हो रही है मुंबई और गुजरात में, और बहुत ही बम्बर ओपनिंग मिली
क्योंकि मेरे फैंस मेरा काम बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे उनके मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स मैसेजेस, और मैं आप सबसे ये कहूँ कि आप मेरी फिल्म पूरे परिवार के साथ जाके जरूर। जी हम जैसे कि कल हम भिवंडी जाने वाले हैं, फिर हम नॉर्निंग जाएंगे और 5 दिन हम नेपाल जाएंगे। मेरा नाम राहुल कपूर है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और फाइनेंस भी करता हूँ। जी मैं जिला चंपारण की ओपनिंग पे आया हूँ। इस फिल्म का जो म्यूजिक लॉन्च था, मुझे बहुत खुशी है कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बन रही है, अच्छी फिल्में बन रही है और अश्लील से दूर फिल्में, ये हम लोग का प्रयास है। मैं जब भोजपुरी में आया तो मैं यही चाहता था कि फिल्में जो है जो अश्लील बनती है वो नहीं बनना चाहिए और अच्छी फिल्में बनना चाहिए, क्योंकि मैं हर लैंग्वेज में बनाता हूँ फिल्में और वहाँ पे कंटेंट अलग होती है, चीज़ें अलग होती है, लेकिन भोजपुरी में थोड़ा सा एक समस्या, बहुत सारे लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं लेकिन अश्लीलता की तरफ लोग जाते हैं, वो मुझे बुरा लगता है। और ये फिल्म देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें ट्रेलर में तो कुछ भी नहीं है और साफ सुथरी फिल्म लगी, और मैं इसकी पूरी टीम को, जिला चंपारण की पूरी टीम को अपने दिल से बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले फिल्म रिलीज के लिए। अभी से शुभकामनाएं। अगर कोई थिएटर बंद होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम प्रशासन को भी कह सकते हैं या जो थिएटर चला रहे हैं जो ओनर है, क्योंकि जो मुझे जहां तक नॉलेज है, क्योंकि मैं एक बॉम्बे में कम से कम हमने 300-400 फिल्में हमने रिलीज की होगी हिंदी से लेके सारे लैंग्वेज के, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम क्या होती कि अब मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया है, मल्टीप्लेक्स में थिएटर सीटें कम होती है, तो हमारे पास जो थिएटर है बिहार वगैरह में जो मैंने दौरा किया है तो उसमें थिएटर्स बड़े हैं, ऑडियंस कम जाती है, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, कुछ लोग नॉर्म्स नहीं ये करते हैं, तो इसके वजह से दर्शक शायद कम आते हैं, उनको वो मेंटेनेंस वो पूरा नहीं होता और ये बहुत नुकसान है भोजपुरी समाज के लिए। अभी बीच बिहार में एक फंक्शन हुआ था, कुछ फेस्टिवल हुआ था, हम भी इनवाइट थे उसमें, हमने उसमें सरकार से ये निवेदन किया, वहाँ पे जो है एमडी है हमारे मित्र हैं उनसे भी हमने निवेदन किया कि यार थिएटर नहीं है, और मैंने बिहार सरकार में ये ऑफर किया है कि अगर मुझे 5000 स्क्वायर फीट आप किसी भी जिले में देंगे, मैं हर जिले में ट्विंस थिएटर बनाने को तैयार हूँ, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उससे फायदा ये होगा कि हमारा जो भोजपुरी फिल्म जो हम लोग कहते हैं कि हमको मल्टीप्लेक्स तक नहीं है, ऑडियंस हमारे पास बहुत है, बहुत फिल्में, ये हो सकता है कि आने वाले समय में 50-100 करोड़ रुपया भोजपुरी फिल्म भी कमा सके, लेकिन उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, हमको वो फैसिलिटी लोगों को देनी पड़ेगी, लोग गर्मी में फिल्में नहीं देखेंगे, आपको वो चीज़ें परोसना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ें निकलेगी। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और जिला चंपारण खेसारी जी की एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी हैं और प्रोड्यूसर श्री सुरेंद्र कुमार जी हैं, और ट्रेलर मैंने देखा अभी, काफ़ी अच्छा लगा और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है और मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ। इसमें जैसा कि ट्रेलर अभी तक देखा है तो ट्रेलर में तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा सारांश रहता है फिल्म का, गरीब मतलब गरीब लोगों से कैसे विलेन को या मतलब जो भी बड़े लोग इस तरह से मैनेज किया जाता है उनके द्वारा और उसका काफी लगता है अभी तक और अच्छा लगा। होली पे आतंकवादी रिलीज हो चुकी है, अभी तो सैया सुपरस्टार का शूटिंग भी खत्म हो गया है, वो दशहरा में रिलीज होगी।
आतंकवादी तो होली पे रिलीज हो चुकी है ऑल ओवर। आप गलत सवाल पूछे। जी जी जी। अच्छा विकास जी, चलते चलते आखिरी सवाल। इतनी खुशी होती है, बड़ा एक अलग तरीके की फिल्म है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अश्लील फिल्म नहीं बनती है भोजपुरी में। बहुत अच्छा लगता है चीप फिल्म नहीं बनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी। और बहुत गंदगी लगता है, बहुत वॉमिट जैसा फील आता है जब अब अश्लीलता से अभी पक चुके हैं, सड़ चुके हैं। तो बहुत खुशी है कि ये ना ये देखा और वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी कि अच्छा सिनेमा खर्च किया। डायरेक्टर साहब का स्वागत है, बहुत अच्छे डायरेक्टर के रूप में। टेक्नीशियंस अच्छे हैं और खुश हुआ मैं यहाँ आके। मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे आके मैंने कोई गलती की और मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। और मैं काफ़ी देर रुका भी, जो कि बहुत रेयर होता है। मैं 5-10 मिनट में चला जाता था, लेकिन ये फिल्म प्रोमो अच्छा लगा। हम बहुत दिल से दुआएं खेसारी और उनकी पूरी टीम और डायरेक्टर साहब को खास और प्रोड्यूसर साहब को कि उन्होंने दिल से खर्चा किया फिल्म को। भगवान करे ये अच्छे कोई फेस्टिवल पे लगाए, उनका पैसा वापस आ जाए और ये फिल्म बहुत चले। ये ट्रेलर आपने देखा रवि जी, आप पूरे ट्रेलर की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली आपको कौन सी सीन थी? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि फिल्म कैसी है। मुझे अच्छा लगा माँ के इमोशन सीन्स वगैरह, अवधेश मिश्रा के और वो खेसारी भी वहाँ पर जो चिल्लाते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें बहुत छूने लगी। आप टोटालिटी में फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। वो टीज़र बहुत अच्छा लगा और भगवान से उम्मीद है कि टीज़र जितना अच्छा उतनी अच्छी फिल्म हो और तब हम ठीक से बोल पाएंगे। बट प्रोमो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो फिलहाल प्रोमो देख के मैं कहूंगा कि फिल्म में दम बहुत लग रहा है। नहीं, भोजपुरी में पहल बहुत बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि यही एक फिल्म है। भोजपुरी में कन्यादान भी हम लोग बनाए, विदाई भी बनाए हैं, मोहन जी प्रसाद ने सही आमार भी बनाई है, दिनेश भी बनाते हैं, मनोज बाबू ने भी बनाया है, सारे लोग बनाते हैं फिल्म, सब लोग अच्छे बनाते हैं। एक्साइटमेंट हमेशा अच्छा आता है हर 3 महीने बाद कि मेरे लेफ्ट में जो है ये भी बहुत अच्छी फिल्म इन्होंने मेरे साथ पवन सिंह के साथ बनाई, राइट में ये भी पवन सिंह के साथ फिल्म बना, तो ये सारे लोग अच्छी बनाते हैं। एक्साइटमेंट होता है कि अब कौन सा कोई नया मसाला लेके आ रहा है, ये यही इंडस्ट्री को जिंदा रखता है। हालांकि सब लोग अच्छी बनाना चाहते हैं, अश्लील जो बनाता है वही लोग पापी होते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल रवि किशन की अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, रवि किशन थैंक यू, आप लोगों ने ढिंचैक और मेरे बहुत सारे नाम, पहला हीरो जिसको महादेव बोलते हैं, तो मतलब ये मैं कृपा कहूँगा, मेरे पे शिवजी की कृपा है, लोग प्यार करते हैं और इतनी फिल्में कर, अभी भी 11 फिल्में फ्लोर पर हैं और 350-400 फिल्म हो गई है, 25 साल होने जा रहे हैं करियर को, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और बस मैं क्या कहूँ, मैं मुझे लोग काम दे रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और लोग प्यार करते हैं। अभी मुक्काबाज आ रही है मेरी फिल्म, वो देखिएगा। अभी बहुत सारी फिल्में, 11 फिल्में आ रही हैं, इसमें तेलुगू है, तमिल है, कन्नड़ा है, हिंदी है, भोजपुरी है और अलग अलग काम करता रहता हूँ। बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश फिल्म में भी देखेंगे मुझे। जी बात करें इस फिल्म का, जो म्यूजिक राइट लिया है टीम फिल्म भोजपुरी, नई म्यूजिक कंपनी आई है। किसने? टीम फिल्म भोजपुरी नई म्यूजिक कंपनी आई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं नई कंपनी है, बहुत दिल से शुभकामना उनको कि भाई आप लोग आगे आए और इसी तरह अब ज्यादा से ज्यादा कंपनी आए तो हम लोग के सैटेलाइट के म्यूजिक का पैसा बढ़े और अपना माल मिले और नुकसान नहीं हो। महीने के माल आए तो जितने लोग आए सबको स्वागत है, बस माल देते जाए सब लोग और कुछ नहीं। हाँ, हॉट अंजना सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल जिला चंपारण की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। अभी ट्रेलर देखा, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और जैसा कि ट्रेलर में मैंने देखा कुछ न्यू एंट्रीज हुई हैं, न्यू हीरोइंस आई हैं, तो उनका इंडस्ट्री में तहे दिल से वेलकम करती हूँ और बहुत खूबसूरत दिखी हैं। डायरेक्टर ललित जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है उन लोगों को, सो ऑल द बेस्ट टू जिला चंपारण टीम। रवि जी से इंडस्ट्री चलती है और इनके आशीर्वाद के बिना इनको भी पता है कि कुछ आगे होने वाला नहीं है,
तो इनकी ब्लेसिंग्स तो हर एक चीज़ में मायने रखती हैं और सपोर्ट, तो अगर रवि जी आके अपना प्रेजेंट यहाँ पे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। और इस चीज़ के लिए ये हमेशा बहुत पॉजिटिव रहे हैं, किसी भी नई चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को सपोर्ट करने में हमेशा रवि जी आगे रहे हैं। रवि जी बात करें, अभी अश्लीलता पिक्चर के अंदर नहीं आएगी उम्मीद दर्शक? अश्लीलता नहीं है तो अच्छा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। जो भी अश्लीलता, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अश्लीलता जो भी बनाता है अगर डालता भी होगा तो वो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाता है। पहले का क्वेश्चन है, के बाद और अश्लीलता है नहीं। अर्जुना जी क्या कहना चाहेंगे, आज निचक लग रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? शायद आज आपकी अच्छे से नजर पड़ी, मैं हमेशा से डिंचे की लगती हूँ। अनिमित बात करें, आने वाली फिल्म आपकी यश कुमार और आपकी एक जोड़ी वापस से दुर्गा बजाने आ रही है, दर्शकों को लुभाने आ रही है, क्या कहना चाहोगे? ये सभी हमारी प्रोफेशनली ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, बट श्योर हम लोग आएंगे तो कुछ धमाल ही मचाएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, और जैसे पहले प्यार मिला है हमारी जोड़ी को, आगे भी मिलेगा। ऑल दी बेस्ट। और हमारी अभी टीम ने आई थिंक हमारी जिगर का भी म्यूजिक लॉन्च किया था, बहुत अच्छी अच्छा प्रमोट कर रही है, हमारे सॉन्ग्स को ऑडियंस तक पहुंचा रही है सोशल साइट पे भी। तो बस जैसा रवि जी ने कहा कि जो भी आए हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट करके जाए, वही। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिला चंपारण फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, और मैं बताना चाहूँगी कि इस गाने के दौरान मुझे 102 फीवर था, मेरे सर जिन्होंने, इसलिए मैं साथ में बोली हम लोग साथ में इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना संभाला है और गाने में बिल्कुल दिख नहीं रहा है कि मुझे फीवर है। और रही बात हमारे लाल बाबू पंडित जी की, जो हमारे डायरेक्टर हैं, सुरेंद्र जी जो प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों ने इतना प्यार दिया है। लोग बोलते हैं कि कलकत्ता में मीठा बहुत खाया जाता है, वहाँ के लोग भी रियल में बहुत मीठे होते हैं, और हम लोगों को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग शूटिंग पे आए हुए हैं। लोकेशन से लेके ड्रेसिंग से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने इतना खर्चा किया है। बाकी ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा, ट्रेलर देख के पता चलता है कि फिल्म में बहुत अच्छा खर्चा किया गया है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सुधार आए, हिंदी में भी आइटम सॉन्ग होते हैं, तो अब हम मेरी कोशिश ये है कि भोजपुरी में अगर मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ तो मैं ध्यान में रखूँ कि वो एक अच्छा गाना हो, उसमें वर्डिंग गलत नहीं हो। और ये जो गाना है, इसके बाद भी मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, अपने जितने भी गाने किए हैं, मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। और सर ने, मैं एक गाना बताना चाहूँगी, बुलोरे की चाबी से झारेला नवाबी, वो गाना भी लोगों ने देखा था तो बोला था कि पिक्चराइजेशन ऐसा होना चाहिए, गाना भी बहुत अच्छा है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। और जिला चंपारण के सारे गाने आप लोग खुद देखेंगे, मैं तो थिरक रही थी, ट्रेलर चल रहा था, तो इसमें सारा हाथ हमारे सर जी का है, कानू जी का है। मैं सबसे सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अपने लाल बाबू अश्वेंद्र जी का थैंक्स, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म दिया है। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जहाँ कुछ वेस्टर्न आता है या कुछ ऐसा गाना तो वो सोचते हैं ये गाना किसका है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर टाइप का गाना कर पाता हूँ, लेकिन मैं वल्गर गाना नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आप देखा होगा इस फिल्म में भी कोई वल्गरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, और मैं दुआ करूँगी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। केसारी जी का जितना तारीफ किया जाए कम है, दो हीरोइन थी मोहिनी आनंदिता मतमानी, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सीमा को तो तारीफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबको पता ही है बाप बेटी, लेकिन बाप बेटी का तारीफ कभी गलत नहीं करेगी, मेरी बेटी है ही तारीफ के लायक, तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। वल्गरिटी की बात किया आपने, हाँ। सारा दारोमदार कोरियोग्राफर के ही सर पे जाता है, इन्होंने ही वल्गरिटी करवाया, डांस करवाया, लिप्ता चिपकी जी, करवाया। जी। सारा सारा आपके ही सर, ये मैं जवाब दे, हाँ ये जवाब मैं देना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि जब हम फिल्म फ्लोर पे जाते हैं, हमें सुनाया जाता है, एक जब शूट के लिए हम जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है मुझे ये चाहिए, मुझे किसिंग लिप चाहिए, तो मैं एकदम पीछे हो जाता हूँ। जब आपने हीरोइन से बात किया है, अगर बात की है तो आप बात करें, क्योंकि आपका सीन क्या कहता है, मेरे सीन में डिमांड है, क्योंकि इसके ऊपर फिल्म की कहानी शुरू होगी, तो अगर शुरू होगी तो भाई वो सीन के साथ है ना, गाने के साथ तो नहीं है ना। जैसे आपने देखा भी होगा इस फिल्म में भी देखा, वल्गर कुछ नहीं है, लेकिन उनके सीन के साथ एक सीन था, आई लव यू एंड किस, उसके बाद वो कहानी तयंगर और
मोहिनी बोलती है ओके गुड बाय, तो लेकिन मेरे गाने में आप लोगों को कोई वल्गरिटी तो नजर नहीं आया है। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की तरफ से ही आप पे दबाव बनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, दबाव नहीं, दबाव नहीं। ये फिल्म की इनका बोलने का मतलब है कि फिल्म में वो किसिंग सीन और वहाँ से वो बोलती है हाँ आई लव यू, वहाँ से कहानी शुरू हुई है, ये फिल्म की डिमांड है। और रही बात गानों की, आप लोगों ने ट्रेलर देखा, आप लोगों को सारे गाने एक से बढ़कर एक लगे, तो मैं यही, मैंने जितना भी काम किया है मैं एक ही बात जानती हूँ कि हमारे ऊपर है। अच्छा अब हम ऑब्जेक्शन उठाने लग गए हैं कि हाँ सर कॉस्ट्यूम ऐसा रखिए, सर ये ऐसे करिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि हिंदी में क्या अलग होता है जो भोजपुरी को वल्गर कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने भी ध्यान में रखते हुए, अब गानों की लाइन हो या पिक्चराइजेशन हो या कॉस्ट्यूम हो, अब हम भी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, रख रहे हैं। अगर सीमा की बात किया जाए, सीमा की बात किया जाए, तो हर फिल्म में एक ही गाना होता है, क्यों अन्याय कर रही है? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि मैं लकी रही हूँ, मुझे हर बार एक्टिंग का ऑफर आता है और मैं चुनती हूँ सिर्फ आइटम सॉन्ग, क्योंकि बचपन से एक शौक रहा है। अगर मैं एक्टिंग में उतर जाती तो मन में कहीं रह जाता यार मेरा डांस दब गया, अब मैं क्या करूं, शायद मैं हीरोइन वाला गाना करती तो भी एक्सप्रेशन आइटम वाले देती थी तो वो नाइंसाफी होती थी। और अब जाके मुझे कुछ रोल अच्छे लगे हैं जो मैं अजय श्रीवास्तव जी की फिल्म की हूँ, पैडलर लीड है, पूनम दुबे और मैं हूँ, नमित तिवारी है, और अभी एक फिल्म और किया है भोजपुरिया सुल्तान जिसमें प्रमोद प्रेमी जी लॉन्च हो रहे हैं, आलोक जी हैं सिंगर, और हीरोइन में रानी जी और मैं हूँ। तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मैं, मुझे लगता है कि हाँ अगर मैंने आइटम नंबर किया है और मैं एक्टिंग करूँ तो वो कुछ अलग हो, तो ये दो फिल्में मेरे लिए अलग लगी, मुझे कहानी अलग लगी तो मैं करूँ। बाकी एक्टिंग का सवाल तो मैं ज़्यादातर आइटम ही करना चाहूँगी। मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट नहीं बोलूँ, क्योंकि जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही है माता रानी की कृपा से हर फ्राइडे फिल्में रिलीज़ होती है और उसमें आइटम नंबर होता ही मेरा। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इतना आप लोगों ने प्यार दिया है और एक के बाद एक अच्छा काम करने का हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, और अब हम भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे दर्शक, फैमिली दर्शक बैठ के फिल्में देखें, और देखते हैं भी, कुछ चीज़ें हैं जो हम भी ध्यान रख रहे हैं, बस अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, भोजपुरी के कलाकारों पर और भोजपुरी इंडस्ट्री पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इतना कहूँगा कि सीमा जैसी लड़की और बहुत सारी अच्छी हीरोइनें आई हैं हमारी इंडस्ट्री में, अभी हमारी इंडस्ट्री एकदम अलग चेंज होगा, वल्गर नाम का वर्ड्स जो खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, जैसे मैं सहरा बात के आना, रजनीश जी की फिल्म, अपना घोटाला किया, एकदम अलग कहानी है, घूंघट में घोटाला, वो बहुत बड़ा घोटाला होगा एक्चुअली। आप देखिएगा, नहीं एक्चुअली मेरा बोलना एक ही है, चारा घोटाला सुना था, उससे बड़ा होगा घूंघट में घोटाला। और मेरी शुभकामना, एक्चुअली मैंने प्रवेश जी को स्पेशली बोला था, जब मैंने टाइटल सुना तो मैंने लिए प्रवेश जी यार टाइटल सुन के ऐसा हो रहा कि फिल्म क्या होगी, घूंघट में घोटाला तो लोग देखना चाहेंगे। मैं कहना ये चाहूंगा घूंघट में घोटाला एक अलग फिल्म है, एक अलग, मतलब मैंने अभी तक का वो गेटअप देखा ही नहीं, और उसमें भी दो लड़कियां हैं इसमें, मानी है वही लड़की मानी और एक दूसरी ऋचा दीक्षित है, वो फिल्म की कहानी इतनी खूबसूरत है, एक नई कहानी होगी अभी रिलीज होने वाली है, हम लोग कम्प्लीट करके हैं, और रजनीश जी की फहरा बांध के आना वो भी कमाल की फिल्म बनी है। अभी तो फिलहाल मैंने जिला चंपारण में गाया जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा, और उसमें जो सॉन्ग है करिया रसगुल्ला वो मैंने गाया है, और अभी मुकद्दर मैं शहरा बांध के आऊँगा, और उसके बाद से अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गंगा की बेटी बहुत सारी फिल्मों में अभी गाया मैंने, और अभी खेसारी जी की भी फिल्में आ रही हैं उसमें भी गाना है, 5-6 फिल्में हैं अभी मेरे पास, और बाकी 16-17 फिल्मों में गाया। क्योंकि ये इतने टैलेंटेड हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं ये रंजीता जी, तो मैं बिल्कुल इनको कोऑपरेट करता हूँ, मैंने इनको बिल्कुल फ्रीडम दिया हुआ कि आपको जो करना है, जैसे कर, जो भी प्रोजेक्ट करना है, अपनी गायकी पे आपको काम करना है, जो भी करना है, तो ये मैं इनको बहुत प्रमोट करता हूँ, और ये खुद भी इतनी टैलेंटेड है, इसीलिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, इनकी वजह से मैं भी इससे, जो भी एक तो फिल्मी दुनिया है,
मुझे आने का फिर मौका मिलता है और ये बहुत अच्छा कर रही है। अभी इनकी भोजपुरी फिल्म 16-17 भोजपुरी फिल्म में इनकी अभी आ रही है बैक टू बैक, और फिर हिंदी में भी इनकी ये भी इनकी तीन फिल्में जो हैं अभी अंडर रिलीज है, अभी अंडर प्रोडक्शन चल रही है। इस फिल्म में कौन सा गाना गाया है और मैं दो लाइन सुनाऊंगी आपको। देह पे करी बड़ा सूट, पिन के देह तो के छूट, प्यार धरी जब रूट, राजा मा जली हलू, बड़ी साध लागल खाली एक बार, राजा जी एगो करिए सिवा दा सलवार, राजा जी एगो करिए सिवा दा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जिला चंपारण, और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग फिल्म है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस फिल्म की जो खास बात है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किसी लेवल पे कहानी से लेकर कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर सेट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जो आपको फिल्म में दिखता है तो वो बधाई की बात है। हमने किरदार है, मुझे किरदार मिला उसका नाम खली सिंह था और नेगेटिव किरदार था, मैंने अपनी तरफ से जो बेटर हो सकता था वो लुक मैंने उसमें लिया है और उम्मीद है कि ऑडियंस को फिल्म तो बहुत पसंद आएगी, साथ में मेरा किरदार भी आएगा। हाँ, गेटअप को लेकर थोड़ा सा मैंने तैयारी की थी इस फिल्म में, मैंने ऐसा मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं है, इस फिल्म का जो लुक मैंने सोचा था, हालांकि मेरा चेहरा वैसा नहीं है इसलिए एज इट इज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन लुक मैंने जल्लाद फिल्म में जो मिथुन चक्रवर्ती ने लुक लिया था उस लुक से हल्का सा इंस्पायर्ड हुआ। इसमें मैंने चश्मा पहना है, एक बड़े साइज का चश्मा, आज के दौर में लोग नहीं पहनते हैं, उस चश्मे भी यूज़ किया है, बंगाली कुर्ता कई जगह पर मेरा, और वॉइस को लेकर भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया इसलिए क्योंकि डबल एज है, यंग भी है वो और वो ओल्ड भी है, ओल्ड और यंग के बीच में डिफरेंस लाने के लिए मैंने आवाज़ से लेकर चाल से लेकर गेटअप से लेकर सारी चीज़ों को और एक डिफरेंस आपको फिल्म के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से तो सारी चीज़ें हमें मुहैया कराई गई और एक बहुत अच्छी ज़मीन दी गई परफॉर्म करने के लिए, डायरेक्टर साहब का पूरा सपोर्ट था, खेसारी जी जैसा को एक्टर को स्टार जिसे मिले वो लकी मानता है उसे, इतना प्रोफेशनल इतने अलर्ट एक्टर कि मतलब पूरे सेट पे वो इंसान एनर्जी भर के रखता है, तो सैल्यूट है खेसारी लाल यादव। हाँ, टफ तो था, जब मुझे सुनाया गया तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार किसी फिजिकली 6 फुट और एकदम हैवी इंसान को देना चाहिए था क्योंकि उसका नाम ही था खली सिंह, मुझे लगा ये खली सिंह नाम मेरे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन शुरू के जो दो सीन है जो यंग सीन है मेरे लिए वो सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्हीं को बेस रख के मेरा पूरा किरदार आगे जाना था, तो उन दो सीन्स के लिए मैंने प्रॉपर मेहनत की और आपको लगेगा कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है खली सिंह। मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि एक्टर तो वैसे कभी पूरी जिंदगी में खुश होता है, उसे कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है, बट हाँ उस वक्त मेरा ऐसा मानना है कि उस वक्त जिस समय फिल्म शूट हो रही थी मेरे को जो बेटर लगा जितना मैं सोच पाया एज एन एक्टर, मेरे डायरेक्टर ने जो हेल्प की मेरे कॉस्ट्यूम से लेकर सारी चीज़ों में और परफॉर्मेंस में जो मैं बेटर दे पाया उस वक्त के हिसाब से मैंने अच्छा किया था। आने वाली फिल्मों की बात करें, अभी आने वाली फिल्म में मेरी खेसारी जी के साथ आने वाली दिलवाला, हम हिंदुस्तानी, दिनेश जी के साथ आ रही है सिपाही, पवन जी के साथ एक आ रही है संजय सुपर स्टार फिल्म, आ रही है चिंटू पांडे के साथ एक रंगीला, और इस तरीके से हिटलर विराट भट्ट के साथ, तो तकरीबन 10 फिल्में तो रेडी हैं रिलीज के लिए, बाकी अंडर प्रोसेस में। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि भोजपुरी देखिए भोजपुरी सुनिए, आप देखते हैं आप सुनते हैं तो हम काम करते हैं, आप हमारा बहुत बड़ा पहलू है कलाकार और दर्शक, दर्शक नहीं होगा तो कलाकार का कोई अस्तित्व नहीं आएगा, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। सुरेंद्र जी जो है ना ये जिला चंपारण का प्रोड्यूसर है और इतना ज़्यादा आज खुश है, नर्वस हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी जिला चंपारण के बारे में कुछ बताने वाले हमको बोल रहे थे, क्या सब जिला चंपारण किस तरह की फिल्म है? जिला चंपारण अपने बहुत अच्छी एक फिल्म है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है,
लोकेशन वाइज शूटिंग है, इसमें सब नया नया लोकेशन है, ये छापा नहीं किया, एकदम ओरिजिनल फिल्म बनी है। अब दर्शक के ऊपर छोड़ रहे हैं हम लोग, उसको दर्शक क्या लेगी नहीं लेगी ये सब दर्शक के ऊपर है। लालू जी इतना खेसारी को आप क्यों लिए इसमें हीरो? खेसारी जी का बहुत सहयोग है, बहुत हम लोग से कॉपरेट किए खेसारी जी, हाँ जिस तरह से हम लोग बोले उस तरह से काम किए हैं, बोल के फिल्म और अच्छी हुई है, इसीलिए खेसारी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और कौन क्या कहना चाहोगे? मैं तो आज लाल बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो फिल्म डायरेक्टर है, इतना कमाल को फिल्म बनाएगा, जितनी तारीफ की जाए कम है। जिला चंपारण का आज मुंबई में बहुत धूमधाम से लॉन्चिंग किया, आप लोग देख ही रहे हैं, सब गामा का हमारे रवि किशन जी भी उपस्थित थे, अभी लगभग इंडस्ट्री के सारे लोग उपस्थित थे खेसारी जी को बधाई देने के लिए, और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे प्रोड्यूसर सुंदर जी को कि इन्होंने इतना अच्छा फिल्म बनाया। इस फिल्म की पूरी शूटिंग कलकत्ता में की गई है और एडिटिंग पूरी कलकत्ता में हो गई है। ये 4 अगस्त को फिल्म बिहार में रिलीज हो रहा है, अब आप लोगों को देखना है किस तरह की फिल्म है, बताइए। ट्रेलर जब चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हिसाब लगी थी लेकिन वो गए नहीं, तो हिसाब उनके बैठे। देखिए कभी कभी फिल्में ऐसे बन जाती है कि कुछ आगे क्या होने वाला है उसके चलते लोग हिसाब छोड़ बाद में जाते हैं, जब तक सीन नहीं देख लेते, वही हाल आज ट्रेलर लॉन्च में हुआ है। कितनी खुशी होती है सर? हमें तो बहुत खुशी हुई है, वो देखिए क्या होता है आगे। रवि जी आए, लाल बाबू जी के क्या कहना चाहेंगे? लाल बाबू जी के डायरेक्टर साहब का तो फिल्म में बहुत योगदान है, वो कैसे डायरेक्टर हैं जो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, जिन्होंने लोगों ने अभी ट्रेलर टाइम बहुत सराहा है। हाँ रवि जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा जो हम लोग बुलाने पर रवि जी आए, हाँ उनको लाख लाख धन्यवाद है, खेसारी जी को और सभी को, हाँ सभी चैनलों को मैं धीरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस प्रमोशन को और अच्छे से ई किए। ट्रेलर लॉन्च में आप आए, कितनी खुशी होती है जब एक अच्छी फिल्म आती है दर्शकों के बीच में, कितनी खुशी होती है? क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी होती है, और मैं मुंबई में आई हूँ और मुझे इनविटेशन मिला कि फिल्म लॉन्च ट्रेलर का लॉन्चिंग है, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मैं पटना से आई हूँ आज ही किसी फिल्म के गाने के लिए, और मुझे यहाँ इनवाइट किया गया और इतने लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पटना बिहार से हूँ, और मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग इतना जानते हैं। आपने ट्रेलर देखा कैसा लगा और खेसारी के बारे में बात किया है तो कैसा, क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेलर मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा, और बात रही खेसारी जी की तो खेसारी जी मेरे फेवरेट हीरो हैं, और उनकी उनके बोलने का अंदाज, उनके डांस का अंदाज, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। पटना से लेके बॉलीवुड तक कैसा रहा सफर आपका, क्या कहना चाहोगे? जितना चढ़ाव उतार, कठिन कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौती, कितना था रास्ते में? बहुत बहुत है रास्ते में, जैसा कि मेरे बहुत सारे आइटम सॉन्ग हिट है मार्केट में, बहुत सारे आइटम सॉन्ग, तो कुछ लोग अवरोध भी पैदा करते हैं और कुछ लोग सराहते भी हैं, तो टेंशन नहीं होता है, थोड़ा बुरा लगता है कि अच्छा ही मतलब अच्छे गाने भी हमारे हैं, उसको तारीफ ना करके लोग वल्गरिटी और ये कि क्या क्या फलाना फलाना ये सब बोलते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आई डोंट केयर क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। अच्छे गाने की अगर बात करें और बुरे गाने की बात करें तो अच्छे गाने में किसको आप चुनते हैं और बुरे गाने में किसको चुनते हैं? सबसे पहले अच्छे गानों की बात करें। देखिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, हमारे लिए गाना तो गाना होता है ना, जैसे माँ के लिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसी तरह से मिलिए सारे गाने मेरे गाने हैं, अच्छे गाने हैं, तो पब्लिक अगर उस गाने पे एंजॉय करती, जैसे मेरा भी ये गाना खूब चढ़ा है, राइफल के नोक पर कपले हो नची, लगता कि आज हमर इज्जत न बची, पैसा गोली के नोक पर देता है, बाबू साहब का बेटा है, उस पे जो वे पछुमा लेता है, तो इस गाने पे अगर पब्लिक खुश होती है तो ये गंदा गाना कैसे हुआ? हाँ एंजॉय करना चाहिए, पब्लिक खुश होती तो हम लोग खुश हो जाएंगे। और इसके बाद अगर कोई और गाने की बात करें तो पब्लिक बहुत पसंद करती है या आपके दिल के करीब है कोई गाना? दिल के करीब एक गाना है जो कि अभी बिहार झारखंड यूपी पूरा धूम मचाया हुआ है, एला भर जी कैसे हम भेंट करें आए, बहुत ही मधुर स्वर है और बहुत ही सुंदर गाना है, उसे मैं गा के सुना रही हूँ। बेवफा न बूझा हमके बानी मजबूर हो, जान बुझ के राहत नहीं खी तोहरा से दूर हो, कि हम पे पहले डांटे भार भर पड़ाई, ए लभार जी कैसे हम भेंट कर आई, ए लभार जी कैसे
बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप जैसा आपका नाम है वैसी भी आपका गला भी है, उससे भरा आपका गला है। विश्व बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे, ट्रेलर की बात करें, जिला चंपारण की बात करें, देखते हुए लोग उठ नहीं पा रहे थे, मतलब लोगों को टॉयलेट भी लगा था लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए थे और देख रहे थे। कितनी खुशी होती है, कितना गर्व महसूस हो रहा है जिला चंपारण के इस ट्रेलर लॉन्च पे। जी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, और आपका मैं नाम नहीं जानता हूँ सर, जिस तरह से आपने मुझसे प्रश्न पूछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो आपने आपके प्रश्न से जब मेरे रोंगटे खड़े हो सकते हैं तो लोगों का जो मिला है डिपार्टमेंट तो स्वाभाविक अच्छी लगी, अच्छी ही लगी है। और ट्रेलर अच्छी बनी है, सबको पसंद आया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लाल बाबू कितना चैलेंज था, कितना कठिन था ये फिल्म, क्योंकि एक चेंज ओवर ला रही है ये फिल्म जिला चंपारण, क्या कहना चाहूँगा सर? हम पिक्चर बंगाल इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं, हमारी करियर 28 साल की है बंगाल इंडस्ट्री से। हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, मैं मोतिहारी से बिलोंग्स करता हूँ लेकिन बौना बटा बंगाल से हूँ। तो बहुत दिन 2014 से चाव थी जो भोजपुरी फिल्म पर, लेकिन हो नहीं पा रहा था। 2016 में हमने इसकी शुरुआत की, फिल्म बनानी है हमने एक की, तो अच्छी फिल्म बनाने की चाहत थी। देखते थे बहुत फोरे बनती हैं, ये बनती है, अगर देखिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भोजपुरी में चलती हैं, तो अगर हम ऑडियंस को अच्छी कहानी, अच्छी साफ सुथरी फिल्म नहीं दें तो हमारी ऑडियंस इतनी गुर्बत नहीं है जो हॉल तक नहीं जाएगी। हालांकि साउथ की फिल्मों को डब देखती है, तो हमारी अगर भोजपुरी हम उस क्वालिटी की देंगे तो क्यों नहीं जाएगी? 25 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं, अगर हम 20% ज़्यादा नहीं 20% अगर लोगों हॉल तक हम लेकर जाए ऑडियंस को, तो साउथ से हमारी जो साउथ की जो बोली है, जो साउथ की इतनी बड़ी फिल्में बनती है, हम भी बना सकते हैं। कि हमारे पास 25 करोड़ है भोजपुरी भाषी, अगर 20-25% हम हॉल तक लाए, थिएटर तक ला सके, तो हमारी जो भोजपुरी की जो ये है वो बड़ी होगी। मेरी मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ, तो हमने कोशिश की एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन हमारा मेन जो है, मेन तो लास्ट बैरियर जो होता है ऑडियंस होता है, 3 घंटे में ऑडियंस क्या बोलती है ऑडियंस के ऊपर है। लेकिन हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, सभी ने यहाँ पे सराहा है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले अच्छा ही करेंगे, ऑडियंस को अच्छा ही लगेगा। लाल बाबू जी कितना चैलेंज था आपको इस फिल्म को लेके, कहानी को लेके, कलाकारों को लेके, कितना चैलेंज था, कितना कठिन था? नहीं सर, मैं तो कोई काम चैलेंज से नहीं करता हूँ, मन से करता हूँ, दिल से करने की कोशिश की। हमारे इंटायर टीम, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, सभी ने हमारा साथ दिया। और इस फिल्म अकेले डायरेक्टर की नहीं होती है, ना प्रोड्यूसर की होती है, ना किसी की होती है, ना हीरो की होती है, फिल्म एक टीम वर्क है, हमें टीम वर्क ही बोलते हैं। सभी ने अपना बाखूबी से काम निभाया तो इतनी अच्छी फिल्म बनी है। तो मैं अपनी इंटायर टीम, हमारे प्रोड्यूसर सुंदर जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप खेसारी की बात करें तो कैसा केमिस्ट्री रहा और क्या प्रभावित किया खेसारी की बातें, जो आपको पूरे फिल्म करते दौरान आपको याद रह गई खेसारी की? खेसारी जी का मैं फैन हूँ, चलिए बोले उनके गाने से लेकर सबका फैन हूँ, तो मैं खेसारी जी को लेकर ही फिल्म बनाने की सोची थी। और खेसारी जी के लिए आठ की शिफ्ट होती थी, खेसारी जी 7:30 बजे लोकेशन पे रहते थे, ना वेनिटी वेन्यूज करते थे ना कुछ, कभी कभी लोकेशन पे ही वो मेकअप कर लिया करते थे। तो अच्छा लगता है अगर एक्टर अगर समय पे दे, तो कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आप शूटिंग जो होता है लंबा है, कितने पैसे खर्च होती है, तो हीरो अगर आपको वक्त देता है, ठीक समय देता है, तो और कलाकार भी उसी तरह से उसी राह पे चलते हैं। तो खेसारी जी का तो क्या बोलूँ, ह्यूमन बींग, हम भी बहुत इमोशनल है, वो भी बहुत इमोशनल है, तो बहुत मज़ा आया। इसके लिए हम लोगों ने अभी 2 फिल्में अनाउंस की हैं, जो हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं फ्लोर पे, एक फिल्म अक्टूबर में हमारी जा रही है राजा जानी। तो जब तक करेगा तो मैं खेसारी जी के साथ आगे भी और काम करना चाहूँगा, मुझे तो मेरे दिल में रहते हैं खेसारी जी, जिसे याद आएगा। हीरो हैं आज, स्टार हैं, सीखना स्टार ड्रम जो होती है ना, स्टार ड्रम तो एक आदमी नहीं देता, स्टार ड्रम एक आदमी नहीं देता है, उनमें वो कैपेबिलिटी है। देखिए सीखना तो आदमी जब तक जिंदा है सीखने का कोई अंत नहीं होता है, हर आदमी सीखते रहता है, तो मैं वो नहीं बोलूँगा। लेकिन एक जब हम लोग एक डायरेक्टर का जो होता है, जब हम लोग कोई कहानी चूज करते हैं, उस पर हम लोग खुद कहानी में जब तक कोई डायरेक्टर अंदर तक नहीं जाता है क्या चाहिए, तो हम तो जो हमने चाहा खेसारी जी ने जिला चंपारण के लिए दिया, और एक अलग रूप आपको 51 नंबर उनका फिल्म है जिला चंपारण आपको 51 नंबर दिखेगा। क्यों है 51 नंबर, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ।